ओ गुलजार साहब आए हैं। ओ माय गॉड, गुलजार साहब आपकी तो वीडियो सुन सुन के गुलजार गुलजार साहब आए कोई ठंडी जुगत मारने, जी कोई सुनाइए। ऐसे आप लोग ऐसे साहब बोलते जैसे मैं असली शायर वाला गुलजार हूँ यार। मैं आपसे छोटा हूँ भाई, यकीन आप मुझे यार गुलजार नहीं साहब, समझते। आपका इज्जत के तौर पे, इज्जत के कराची के तकाजे लोगों को ना पे छोटा पन्ने की बड़ी वो होती है, जैसे आपको है। बोलिए अच्छा बोलिए, भाई क्या ये कहना चाहेंगे आप हमसे, आप बिल्कुल क्या बन सही, के आए आज? मैं गेंडा नहीं, अभी कॉस्ट्यूम लेने जा रहा हूँ मैं और मेरी वाइफ, कुछ देखने जा रहे हैं, सीन मिल जाए, हम लोग जा लेने जा नहीं रहे, कल लेने पाएंगे। जाना था ना, आज तक का इंतजार करने की क्या जरूरत थी, कल लेने यार जाना था। एक दोस्त है हमारा, वो ना अरबी है इराक का, वो हमें लेके जा रहा है हॉलीवुड पार्टी में, और उसी से हम लोग सीखते हैं अरबी वगैरह जो भी कुरान की होती है। वो आएगा अभी 2 घंटे में। अच्छा अभी ये मैं सिर्फ आया हूँ मालिज के ये बताने के लिए, हेलोवीन पार्टी में, आज हेलोवीन पार्टी में एक मर्डर हो गया टेक्सास में, टेक्सास में वहां पे शूट हो गया। आई डोंट नो, उसकी डिटेल मुझे नहीं आ रही है। एक तो ये बात अच्छा करनी थी कि आप किसी भी फेस्टिवल को वायलेंस पे नहीं लेके जाना चाहिए, चाहे किसी ने भी किया हो, नहीं, मुझे नहीं पता, उसकी डिटेल्स नहीं पता। दूसरी बात, अगर आज हेलोवीन है तो उसपे जो कुरान में जिन आया ना, जिन का वर्ड, इस पे मैं उनको बहुत पढ़ता था, अल्लामा परवेज को, शायद देसी न्यू को पता उनके बारे में। जी, उनकी वो जिन्नात पे यकीन ही रखते थे, वो ऐसे मुल्ला थे जो बड़ा लॉजिकल मुल्ला था, जो कहता था ये जिन रू जो है इस्लाम में नहीं है, वो इनकार कर देता था। और वो ये तौजीह लाए थे अल्लामा परवेज के, जो जिन है ना पाकिस्तान में, उसके मीनिंग है जो जंगल में रहता हो। जिन्नात को कुरान ये नहीं कह रहा जो घोष होते हैं, बल्कि उनका मतलब था जो बिल्कुल जाहिल हो, चपट हो, गांव में रहते हो, उनको जिन कहते थे। फिर आप ये देखो, जो अब जिन्नात पे जो ज्यादा बच्चे यकीन करते हैं ना, चाहे वो क्रिश्चियंस के हों, मुस्लिम्स के हों, चाहे एथियस के हों, उसकी वजह हॉरर मूवीज है। कैसे होता है, बच्चे होते हैं बड़े कच्चे दिमाग के। देखो घोष की शक्ल तो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना देसी नियो को पता है, ना और ये जो हमारे बैठे हैं भाई पॉलीथियस को पता है, इसकी शक्ल हॉरर मूवीज ने हमें दी है, जिसको अब बच्चे जिंदगी भर विजुअलाइज करते होंगे, जिनके सींग होंगे, जिनकी ऐसी शक्ल होगी। भाई जिन और घोष तो होता ही नहीं और नाम ने देखा है, तो हॉरर मूवीज को क्रेडिट जाता है, और डॉने नावल्स होके उसने रिलीजन्स को ना और ज्यादा सपोर्ट किया है कि भाई जिन्नात की शक्ल भी होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को बचपन में हॉरर मूवीज नहीं दिखानी चाहिए, जिस तरह उनको पॉर्न मूवीज नहीं दिखानी चाहिए। ये ऐसी चीजें आई जो डोंट एज अग्री के, विद दैट दो, नहीं आई डोंट अग्री विद इट, क्योंकि हॉरर मूवीज भी आप दिखा रहे हो तो इस तरीके से हम एलियंस की भी मूवीज दिखाते हैं, तो क्या बच्चे उसको भी रियल समझना शुरू हो जाएंगे? और भी बहुत सारी फिक्शन मूवीज आती हैं, अब उनको बच्चे सच समझना शुरू हो जाएं इस तरीके से, तो पापा पिग भी सही नहीं है, राइट? चंद लोग कहते हैं पापा पिग नहीं दिखाओ क्योंकि उसमें पिग है, तो अब बच्चों को आप किस किस चीजों से रोकोगे? आप झूठ बोल रहे हो वैसे गुलजार जी, मेरे घर में जिन है, ओके, मेरा ठर की जिन है, वो मेरी फोन, मेरा टैबलेट, हर चीज चुरा लेता है, नहीं मैंने देखा ठरकी नहीं जिन आज होते तक हैं, ठरकी जिन होते हैं, नॉर्मल जिन नहीं होते, ठरकी सारे। हाँ वैसे जिन होते। धरती होते हैं जिन, क्योंकि लड़कियों के ऊपर हमेशा बोला जाता है कि आप पेड़ के नीचे मत बैठो, खुशबू लगा के बाहर मत जाओ, मेकअप करके बाल खोल के मत जाओ, जिन चिमड़ जाएगा। वैसे वही है ना कि जिन भी जो है फिर वो देख के चिमड़ता है कि खूबसूरत लड़की जा रही है, ठरकपना उसका वहीं पे ये खत्म हो हमारे जाता है। जाहिल जाहिल माशरे में है कि लड़कियों को ना और ज्यादा उनको जहनी तौर पर गुलाम बनाने के लिए बहाने बनाए जाते हैं। आज शाम को मेकअप मत करो, या खुशबू मत लगाओ, जिन चिमट जाएगा, दरख के नीचे मत जाओ। तो वैसे भी दरख के नीचे आप ज्यादा रात को रहोगे तो वैसे ही आपका दिमाग खराब हो सकता है, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रही होती है, जो आपको दिमाग पे नुकसानदेह होता है। तो जो भी आपको बीमारी हो, औरतों को उनको देखो गुलजार, जब रात को आप देखते हो वीकेंड पे, मैं तो क्लब्स वगैरह में काम करती रही हूँ, तो हमारे वहां पर बाहर जो है लाइनें लगी भी होती थी, वहां पे पेड़ भी होते थे, लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के, बाल खोल के, मेकअप करके, खुशबुएं लगा कर वहां नीचे खड़ी होती थी, उनको तो कभी आज तक कोई जिन नहीं चमड़ा। ये पाकिस्तान में क्यों चमड़ता है बताइए, देसी नहीं हो जी? लेकिन मैं ये बोलूंगा इस चीज के बारे में, ये मैंने अपनी स्ट्रीम पे भी और पहले वीडियोस पे भी ये बोला है कि रैशनलिस्ट होने में, जैसे ही आप रिलीजन छोड़ के या तो एथियस या एग्नोस्टिक हो जाते हो, आपको एक ये फायदा आता है कि ये जो जितनी भी सुपरनेचुरल जिन जिन्नात भूत ये सारी स्टोरियां जो है ना, सारी आपके दिमाग से मिट जाती हैं जब रैशनैलिटी की तरफ आप जाते हो। क्यों? क्योंकि हर चीज के बारे में आप सबूत के बेस के ऊपर करने लग जाते हो कि अच्छा भाई
आपने मजहब क्यों छोड़ा? क्योंकि आपने देखा उसमें सबूत नहीं है तरीके से, जो कहानियां हैं आदम हवा की, या सारी कहानियां जो बीएस कहानियां हैं उनके पीछे में आप सबूत देखते हो, और क्योंकि आपको सबूत नहीं मिलता आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते। उसी बेस पे जिन भूत मॉन्स्टर वैम्पायर आप उनको भी उसी पैमाने पे अगर रिसर्च करो और फिगर आउट करो तो देखो कि उसका कोई बेसिक एक्चुअल एविडेंस नहीं है, बस वही है कहानियां और ये वो एक दूसरे को वो डराने के लिए। तो जब रैशनैलिटी की तरफ अंदर चले जाता है तो ये सारा खौफ निकल आता है। अब मुझे मुझे अब ये है कि इस वक्त क्योंकि मेरी रैशनैलिटी और मैंने रिलीजन को छोड़ दिया, इस वक्त मुझे कब्रिस्तान के बीच में 4 बजे सुबह के 3 बजे बिठा दो और चाय पिला दो, मुझे कोई फियर नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है ये जो लाइक यू नो रू और ये दिस इज जस्ट मेक बिलीव स्टोरीज जो हमें पहले बताई गई थी डराने के लिए, और वो एग्जैक्टली रिलीजन। अब वो सारा दिल से जो खौफ था ना पहले वो बिल्कुल निकल गया। अब बिल्कुल मुझे किसी भी रात के 2 बजे कुछ भी हो जाता है जो कुछ खौफ नहीं होता। रात को अगर घर के नीचे से कोई आवाज आती है मुझे राइट अवे ये नहीं होता कि कोई जिन होगा, मुझे होगा हाँ भाई किसी बिल्ली ने डब्बे को नीचे गिरा दिया या समथिंग लाइक दैट। मेरा हमेशा थॉट रैश उस पे जाता है कि लॉजिकली आंसर क्या होगा इसका। लेकिन पहले क्या होता था, पहला क्वेश्चन जहन में होता था और कोई जिन तो नहीं है भाई, और कोई बला तो नहीं आई तो मुझे लगता है कि ये फायदा है, वन ऑफ द फायदा ऑफ लिविंग रिलीजन इज लाइक योर माइंड बिकम्स मोर मोर लॉजिकल। जिन भूत नहीं होगा, इंसान ही निकलना है, कोई घर में घुस आया होगा, जिन भूत नहीं निकलना। हाँ, बिल्कुल सही। और एक और बात, मैं मोमिनों की बात बताता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में था ना भाई, बड़ी आपको मजे की बात बताता हूँ, आप लोगों को पता भी शायद होगी। आप जिस तरह अल्लाह का इंकार नहीं कर सकते ना मालिश पाकिस्तान में आम पब्लिक में, जिन का भी इंकार नहीं कर सकते भाई, वो भी ब्लैसमी है। कैसे देसी न्यू भी मानेंगे इस बात को, जब हाँ मैं होता था ना, ये बड़ी मजे की बात है। चलो भाई अल्लाह का इंकार नहीं कर रहे, इट्स फाइन। आप अगर हाँ बोलोगे ना फैमिली में जिन नहीं होते तो बोलेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम कैसे कह रहे हो। आप बोलोगे भाई जिन का सबूत नहीं, पता इसका क्या सबूत देंगे मोमिन, कुरान कुरान में में लिखा लिखा है, कुरान में लिखा है, कुरान में भाई जो कुछ लिखा है वो सच है, ठीक है वो तो कुरान। है हाँ गुलजार, आप तो कोई भी चीज आप बोल दो जो कुरान में लिखी है उसके खिलाफ उसके ऑपोजिट में आप बोल नहीं सकते। अगर जिन में अगर कुरान में फरिश्ते का जिक्र है आप ये नहीं बोल सकते फरिश्ता नहीं है, जिनका जिक्र है ये आप नहीं बोल सकते। ये बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान में कोई भी चीज जो कुरान में लिखी हुई है उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। इट्स सिंपल। टीवी में नहीं बोल सकते, पॉलिटिशियन नहीं बोल सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। अच्छा अब कुरान में देखो क्या क्या, एक और बड़ी मैं बात सोचता हूँ, जब कोई देखो जिन्नात तुम्हारे लिए मैसेज आया है गुलजार, ये मलिक साहब कह रहे हैं कुत्ते के बच्चे। ये वो वाली बात है, ये मालिक याद आया क्या, वो टट्टे वाली ये वो। अच्छा मैं समझा मेरी तारीफ आ रही है, मुझे कुत्ते के बच्चे बोल लो। अच्छा चलो कुत्ते का मैं बच्चा कितना उसको क्यूट होता है, आपने देखा नहीं है कुत्ते का बच्चा कितना क्यूट हाँ होता है। हाँ हाँ इनके बच्चे ये होने से बेहतर, ये देखो इसके माँ बाप के बच्चा है ये, देखो आपको अगर कोई ये बोले ना कि तुम इसके माँ बाप के बच्चे हो तो गाली समझना, कुत्ते का बच्चा अच्छा गाली थोड़ी ये जो होता इन्होंने कुत्ते के बच्चे बोला भाई आप और गालियां दो, ये बता देना पहले कुरान से आपने ऐसी बातें सीखी हैं या फैमिली से सीखी हैं, ये हमेशा मैं सवाल पूछता हूँ। तो अच्छा एक और मजे मजे जो आज हेलोवीन पे टॉपिक चल रहा है उसी पे रहते हैं, एक और चीज है जिन्नात हमेशा आपने सुना सुनाई बातों पे देखा होता है, फला ने देखा था, मेरी नानी ने देखा था, मेरे मामू ने देखा था, पर आप कभी ये नहीं सुनोगे कि मैंने देखा था। क्योंकि वो हमेशा जैसे मोहब्बत होती है ना यार, उस वो मोहब्बत सुनी सुनाई होती है, जिन भी सुने सुनाए होते हैं, ओरिजिनली मैंने आप सबने नहीं देखा होता, और अगर देखा होगा तो वो एक आपका क्या हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, ड्रीम हो सकता है। और जिन्नात की एक और मैं चीज सोचता हूँ, जैसे अल्लाह को आप इंकार करते हो ना क्योंकि वो एक सुपर नेचुरल है, जिन भी तो एक सुपर नेचुरल है। आई नेवर अंडरस्टैंड कि कुछ सुपर नेचुरल चीज नेचुरली कैसे आपसे बात कर सकती है। एक कोई कहता है और मुझसे आया जिन से तुम्हारे बात कर, लिए, एक और है मीर अब्दुल हमीद भलोच, आज मैं ये फेसबुक पे पता भी क्यों लाइव आ हूँ रहा है, ना, ये मेरे ये जिन्नात के इंकार करने पे आ रही हैं भी गालियां हसन भट्टी कह रहे हैं अच्छा क्यूट कुत्ते का बच्चा। अगर जिन्नात की स्टोरी सुन है तो हम लोग रहते थे कब्रिस्तान के पास पाकिस्तान में, तो सुबह तुम्हारे लिए यार ये मेरी तुम्हारे माँ जन्नात बाप ने अब कौन ये दे रहा काम था। करना शुरू कर दिया है, हमारे जन्नात ने भी पीछे से, ये जन्नात भी होते हैं मेरे को ये नहीं पता था, जिन भी ये होते यार हैं। बताओ, यानी मेरी माँ का चक्कर भी जिनसे चलवा रहे हैं यार, यानी बताओ यार।
आप गुलजार, बताना या फिर मिल सकते हो मैंने। ये एक स्टोरी सुनो। हमारा घर जो है ना कब्रिस्तान के पास होता था, तो एक दफा मैं जब छोटा था, मैं उठा सुबह तो मैं छत बाहर गया, छत की साइड पे, तो दीवार के ऊपर खून लगा हुआ था और हमारा घर बिल्कुल कब्रिस्तान के करीब था। तो एकदम मैंने आके बताया कि दीवार पे खून लगा हुआ है, तो सब लाइक मेरी अम्मी भी देख के, ओ यार ये क्या हुआ, ये कैसे खून लगा हुआ है, दीवार के ऊपर पूरा खून लगा हुआ था। मैंने अच्छा चलो ठीक है, नहीं सब लोग कहने लगे कि कब्रिस्तान के पास रहते हो तो पता नहीं क्या हुआ है। एक दो दिन के बाद, लाइक 2 3 दिन के बाद दोबारा से मैं ऊपर गया तो नया खून लगा हुआ दीवार के, खून लगा था दो तीन। फिर बाद में मतलब ये हुआ क्या है, सब लोग कह रहे हैं नहीं कोई जिन है, कोई कब्रिस्तान से कोई रूह आती है, ये है वो है। पता चला बिल्ली ने चूहा मारा था और वो छत के ऊपर से गुजरी, और वो जब चूहा मार के ऊपर गुजरती थी तो खून लग के दीवार पे लग जाता था। वही अच्छा बात है, अच्छा खोदा पहाड़ निकला वाकई में चूहा। हाँ बिल्कुल। वाकई निकला। अच्छा मालिक, मेरी अम्मी भी बताती थी, अल्लाह उनको जन्नत में करवट करवट बदले, नहीं कब्र में करवट करवट बदले, के वो कहती थी इंडिया में ना हमारे नाना जिन्नात को कुरान पढ़ाया करते थे। ये भी बड़ी लंबी लंबी बोंगी मारते हैं मोमिन, के जिन्नात को मस्जिद में आ रहे हैं कुरान पढ़ाने आ रहे हैं। और बाबा जी आ गए, बाबा जी सुबह मेरी स्ट्रीम में आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है मालिक, रैशनैलिटी के बारे में आपको बताया। एक और अमित ने भी एक मैसेज भेजा है, जरा नीचे पढ़ लीजिए। मैं गुलजार गुलजार भाई, के लिए वापस आया हूँ। गुलजार भाई भी एक जिन है। हाँ मैं जिन हूँ भाई। ये ठरकी वाले हैं मगर, ये सिंपल वाले जिन नहीं। चले रात मान के लीजिए, जिन आप मैं स्पेस खाली करता हूँ, आप अपने दूसरे चलो गेस्ट ले लें। चलो नाइस चलो, टॉकिंग थैंक टू यू यू, सो थैंक मच। यू। चलिए ठीक है।